सत श्री अकाल जी, आप सबका जे के रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे खांडवी, गुजराती खांडवी स्टफ खांडवी बना रहे हैं। प्लेन खांडवी और स्टफ दोनों ही बना रहे हैं। खाओगे तो याद करोगे। जिस भी हमने खांडवी बनानी है उसमें हमने पहले रिफाइंड से सारी ग्रीस कर देंगे, अच्छे से ग्रीस कर देंगे। दो चम्मच डालकर अच्छे से ग्रीस कर देंगे इसको। ये काम पहले करना है हमने। और गैस को भी हम पहले ही जला कर रखेंगे। कुकर में पानी डाल दिया हमने, स्टैंड रख दिया। अब इस पे हमने एक कप बेसन और एक कप दही और दो कप पानी। हमने एक कप बेसन डाला, एक कप दही, एक कप बेसन के जितना हमने बेसन डालना उतना ही हमने पानी डालना है, और जितने हमने दही लिए उतना ही हमने पानी डालना है। इसलिए हमने दो कटोरी हम पानी डाल दिया। इसको अच्छे से हमने बीट करना है। इसमें नमक, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हमने हल्दी डालनी है जिससे कलर के लिए। इसको अच्छे से बीट करना है। अगर पानी कम रहता है थोड़ा सा और डाल सकती हो। पानी मेरे को थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा 1/4 कटोरी पानी डाल दिया। इतना देखो ऐसे पानी ऐसे होना चाहिए, एक लिक्विड ना ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। इसको हम 10 मिनट अब रख देंगे पानी, इसको ढककर 10 मिनट रखेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह फूल जाएगा। अब ये 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको ग्रीस करके पहले रखा हुआ था पानी, उबालने रखा हुआ हमने, पानी बॉइल हो चुका है हमारा। स्टैंड रखा, स्टैंड के नीचे तक पानी रखना, ऊपर तक नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये हम इसको मिक्सर के उसके अंदर डाल देते हैं। मिक्सर को डालकर इसके कुकर के अंदर डाल, ऊपर से कुकर को बंद कर देंगे। ये अंदर रखती है, 5 सीटी लगवाएंगे इसकी। ये तड़के के लिए हमने सामान तैयार किया हुआ है, रिफाइन राई और कड़ी पत्ता। ये स्टफ करने के लिए नारियल और ये हमने रखा हुआ पनीर। स्लैब को मैंने धोकर साफ कर लिया, अच्छे से पोंछ कर साफ कर लिया। अब इसको हमने ग्रीस करना है, 2 चम्मच डालकर ना इसको अच्छे से हम ग्रीस कर देंगे। इसके ऊपर हम खांडवी को बनाएंगे। पांच सीटी आ चुकी है, हम कुकर खोल दिया। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। इस तरह से होना चाहिए। बर्तन गर्म है इसलिए कपड़े से पकड़ा है। मैं स्लैब पर पहले ग्रीस कर दिया था, अभी डाल रही हूँ गैस के स्लैब के ऊपर। इसको कटोरी की सहायता से मैं हल्का से घी लगा के ऊपर कटोरी की सहायता से इसको फैला रही हूँ। इसको हमने जल्दी जल्दी करना है, जितना नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर ना पतला नहीं बनेगा, मोटा मोटा बनेगा।
जितना जल्दी फैलाएंगे उतना सही रहेगा। आप थाली के ऊपर भी चिपका सकते हो, थाली पर ग्रीस करके ना रिफाइन लगाकर उसके ऊपर भी डाल सकते हो। इसको हमने गर्म गर्म ही फैलाना, ठंडा नहीं फैलाना, ठंडा होने के बाद वो फैलेगा ही नहीं। ठंडा सब ठंडा होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। आधे के ऊपर हम ना इसको स्टफ बनाएंगे, स्टफ बनाएंगे इसको। इसमें नारियल, नारियल पाउडर और पनीर को कद्दूकस करके डाल देंगे। और इसमें हरा धनिया डाल दो। ये छोटे बड़े रोल आपके ऊपर है, छोटे करने हैं बड़े करने हैं वो आप कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो कर सकते हो। पहले शुरू से चक्कू से आप इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद हाथ से कर लो। ये स्टाफ वाली पैन रोल कर रही हूँ। शुरू से आप हाथ से मत करना, चक्कू से करना, उसके बाद आराम से हो जाता है। शुरू में पहले में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके बाद आराम से धीरे धीरे करो, हो जाए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आप कि चने की दाल भी डाल सकते हो और गाजर कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, और हरा धनिया साथ। मेरे को मिला नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं है। अब इसको हम तड़का लगा रहे हैं। खाना भी हमारी तैयार है। दो चम्मच रिफाइंड, इसके ऊपर हम नारियल डाल देंगे, नारियल का पाउडर, कच्चा नारियल भी डाल सकते हो कद्दूकस करके, नहीं है तो आपको ये पाउडर डाल लो, आपकी इच्छा कुछ भी डाल दो, दोनों में से अच्छी अच्छे ही डाल दो। ऐसे राही या सरसों, सरसों कुछ भी डाल सकते हो, मैं राही डाल रही हूँ। और ये कड़ी पत्ता, कई लोग हरी मिर्च भी डाल देते हैं इसमें, वो तो आपकी इच्छा है, डालना चाहोगे डाल सकते हो। ये हम कड़ी पत्ते के ऊपर डाल देंगे तड़के को, खांडवी के ऊपर डाल दो। हरा धनिया हो तो और भी अच्छा लगेगा। ये हमारी रेडी हो गई है, खांडवी, गुजराती खांडवी रेडी है।